और जो स्थिर हो गए और जिनको ये समझ में आ गया कि मुक्ति का मार्ग संघ है, जिनको ये समझ में आ गया कि बाकी बेकार की बातें हैं, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम बचेंगे, अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो हम मारे जाएंगे, वो लोग टस्से मस नहीं हुए। उन लोगों की वजह से आज हम जिंदा हैं, उन लोगों की वजह से आज भारत के अंदर बुद्ध का नाम है, उन लोगों की वजह से आज भारत बचा हुआ है और उन लोगों की वजह से ही भारत बसता चला रहा है और उन लोगों की वजह से ही भारत बचेगा। इसलिए जुड़ना और जोड़ना, संघना और ठहरना और संघ को जानना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए अगर आप बुद्ध की शरण में जा सकते हैं खाली विपस्ना करने के लिए तो कर लीजिए, क्योंकि आज धम्म का दिन है, धम्म में विपस्ना बहुत जरूरी है, ठहरा बहुत आ जाता है, उससे जानकारी बहुत होती है। व्यक्ति यहाँ डॉक्टर यूवी सिंह जैसा भी हो सकता है कि अगर जो काम दे दिया तो काम कर लिया, नहीं तो चुपचाप पूरे दिन सुनते रहते हैं, जीरो आपने बोलते हैं। वो जानते हैं क्योंकि वो विपस्ना करके आए हैं, वो जानते हैं कि संघ की ताकत क्या है, इसलिए वो 70 साल की उम्र में भी यहाँ लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर संघ होगा तो संघे शक्ति होगी, संघ में शक्ति होगी, संघ बिखर जाएगा तो शक्ति नहीं होगी। यहाँ वो जो लोग जो थोड़ा टसमस होकर आ रहे हैं वो अपने आप को नापें और तोलें और देखें और जानें कि क्या संघ के बिना कहीं मुक्ति है, क्या बिना इकट्ठे हुए कोई काम हो सकता है, क्या अभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करना बाकी है, क्या जो हमारे महापुरुषों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो कम हैं। सबने तो कहा है कि इकट्ठे होना है, अलग अलग तरीके से कहा है, किसी ने कहा है कि ऑर्गेनाइज होना है, किसी ने कहा है कि संघ में जाना है, किसी ने कहा है कि संगत करनी है, सबने एक ही वाक्य बोला है। तो उसके कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, खाली उसके अधिकार ही नहीं होते। यहाँ संघ में जो आदमी आता है उससे पहले दिन में सारे अधिकार मिल जाते हैं, तो पहले दिन में सारी जिम्मेदारी भी तो मिलती है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जो लोग पहले से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि संघ में उनकी उम्र ज्यादा बड़ी होती है। अगर कोई करमवीर सिंह, अगर कोई राकेश कुमार, या अगर कोई यहाँ भागचंद पिंगोलिया 10 दिन से या 20 दिन से या 3 दिन से या 3 महीने से या 6 महीने से लगे हुए हैं तो उनकी उम्र 6 महीने है। और कोई व्यक्ति अगर आज ही यहाँ आएगा तो वो उनसे 6 महीने छोटा है। उम्र का यहाँ लेन देन नहीं होता, यहाँ काम का लेन देन होता है, ये संघ का नियम है। तो उनको ज्यादा, जो लोग काम ज्यादा समय से ठहरे हुए हैं उनको इज्जत देनी ही पड़ेगी, ये संघ का नियम होता है। और उनको ठहरने के लिए यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। पहले दिन से ही अगर आप यहाँ सारे अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो पहले दिन से ही आपको सारी जिम्मेदारियों का भी अधिकार है। खाली बोलने और खाली भाषण देने के लिए संघ नहीं होता, संघ में भाषण नहीं चलता, संघ में तो सिर्फ काम चलता है। बोलने के लिए अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं, मगर संघ को सीखने के बाद बोलेंगे तो बेहतर होगा। उससे आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको सुरक्षा भी मिलेगी, आपको प्यार भी मिलेगा और आपके बच्चे बच भी जाएंगे। क्योंकि जिद्द है जिंदा रहने की, आप जिद्द है जुड़ने की, अगर जुड़ेंगे तो जिंदा रहेंगे। गले में तलवार सारी हम बार बार बताते हैं, सभी लोग बताते हैं कि अब हमारे पास समय नहीं है, हमको जुड़ना है। जुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे, और अगर नहीं जुड़े तो बच नहीं सकते। इस बार बुद्ध नहीं आने वाले जो आपको संघ के नियम बताएंगे, संघ बताएंगे। इस बार अम्बेडकर नहीं आने वाले जो आपको कहेंगे कि संगठित हो जाओ। इस बार महापुरुष नहीं आने वाले जो आपको कहेंगे कि संगत करो। इस बार तो आप ही महापुरुष हैं, आप ही बुद्ध हैं, आप ही अम्बेडकर हैं। समझ में आती है बात तो तुरंत जुड़ जाना चाहिए, और अगर समझ में बात नहीं आती है तो मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मौत उसी को नहीं कहती कि जब आपके गले पे कोई तलवार काटेगा, मौत उसको भी कहते हैं जब आपके सारे अधिकार चले जाएंगे, जब आप बोल नहीं सकते, जब आप वोट नहीं डाल सकते, जब आप कुछ कर नहीं सकते, जब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको वो काम नहीं मिलेगा जो काम आपने सीखा है, आपको वो काम दिया जाएगा जो काम आपको पनिशमेंट में आपके सारे महापुरुषों को दिया गया, जो आपके सारे पूर्वजों को दिया गया। जिसको जूता काटना है वो जूता काटेगा, जिससे टट्टियाँ उठानी है वो टट्टियाँ उठवाएगा। क्योंकि यही काम होते हैं उन लोगों के जो इकट्ठे नहीं होते। जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो बड़े बड़े